आज बात करेंगे इन कलाकारों के बारे में जिन्होंने राज कपूर, संजीव कुमार, दिलीप कुमार और भी बड़े कलाकार जो 60 के दशक के थे उनकी सबकी छुट्टी कर दी। तो वो कौन से कलाकार हैं जिसमें रफ़ी साहब के सभी बेस्ट गाने थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म थी। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपके पास कोई किस्सा हो तो किस्सा ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ऐसे कलाकार कहाँ गायब हो गए जिन्होंने 1964 में बॉलीवुड पर पहली ही फिल्म में सबकी छुट्टी कर दी थी। वो सितारे राज कपूर, राजेंद्र कुमार को भी पटखनी देने में पीछे नहीं हटे थे। साल 1964 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म दोस्ती का सुपरहिट गाने थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बतौर डेब्यू पहली फिल्म थी और रफ़ी साहब के सभी गाने सुपरहिट थे। एक गाना सिर्फ लता मां ने गाया था, वो भी सुपरहिट रहा था। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी और साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म दोस्ती को डायरेक्टर सत्येंद्र बोस ने निर्देशित किया था। वहीं से ताराचंद बड़जात्या ने प्रोड्यूसर किया था। इस फिल्म की कहानी को बाणभट्ट और गोविंद मुसिनीस द्वारा लिखी गई थी। इस फैमिली म्यूजिक ड्रामा फिल्म में सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमाया ने बतौर लीड एक्टर काम किया था। ये फिल्म दो दोस्तों की दोस्ती पर बेस्ड थी जिसमें एक दोस्त अंधा दूसरा दोस्त लंगड़ा होता था। फिल्म में भोसाली का सहारा लिए रामनाथ का किरदार सुशील कुमार ने निभाया था जबकि अंधे दोस्त मोहन का रोल सुधीर कुमार ने प्ले किया था। ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट और उस जमाने में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी फिल्म बनी थी। उस समय ये फिल्म बहुत अधिक कमाई की गई थी। इस फिल्म में राज कपूर और राजेंद्र कुमार की फिल्म संगम को ज़बरदस्त टक्कर दी थी। संगम को यहाँ एक फिल्म फेयर अवार्ड नवाजा गया था। वहीं दोस्ती फिल्म में 6 अवार्ड जीत कर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड 1965 में 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इसके साथ ही दोस्ती को उस साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर फिल्म भी इस हिंदी का अवार्ड मिला था। नए सितारों से भरी इस फिल्म को हर किसी ने पसंद किया था। बता दें कि 1964 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म संगम थी और दूसरे नंबर पर आई मिलन की वेला थी, तीसरे नंबर पर फिल्म दोस्ती थी। आई मन बा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इस गाने में दिख रहे दो सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए थे। इनका करियर इस फिल्म के बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इसके साथ ही ये फिल्म दोनों के करियर की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद शायद ये दोनों सितारे कभी किसी और फिल्म में नहीं देखे गए हैं। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि फिल्म में मोहन का रोल प्ले करने वाले सुधीर कुमार अब हमारे बीच नहीं है। कैंसर की वजह से 1993 में उनका निधन हो गया था। सुधीर एक मराठी परिवार से संबंध रखते थे। वो मुंबई के लालबाग परेल इलाके में रहते थे। दोस्ती के बाद सुधीर ने फिल्म लाडला और जीने की राह जैसी फिल्मों में काम किया था। वहीं कई सालों तक लोकल सिनेमा का हिस्सा रहे। उन्होंने जानकी अपूर्णा और सुदर्शन चिराणी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। फिल्म में विकलांग रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार अभी भी हमारे बीच है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वे अभी भी मुंबई में अपनी बाप के संग रहते हैं। उनका एक बेटी है जो अमेरिका रहती है। फिल्म दोस्ती करने से पहले सुशील ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई सारी फिल्में की थीं। इनके साथ ही उन्होंने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरे हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे में
काम किया था। हालांकि दोस्ती फिल्म से वह काफ़ी मशहूर हो गए थे, उसके बाद से उन्हें इतना मशहूर कोई फिल्म नहीं हुई थी और ना ही उन्हें इतना कोई जानता था। हालांकि सब लोग दोस्ती फिल्म से ही उनको जाना जाता था और देखा करते थे, सब जानते थे। उसके बाद उन्हें कभी भी वो पर्चे अदरवाइज फिल्मों में नहीं मिला था और ना ही उन्हें उस तरह के किरदार मिल पाए थे। हालांकि दोस्ती फिल्म से ही वो एक सुपरस्टार बन गए थे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद।